जिंदगी देती है तजुर्बे बेशुमार, होते हैं कितने ही हादसे बेशुमार। जिंदगी देती है तजुर्बे बेशुमार। है मसरत की बरसात और गम कभी, जश्न खुशियों के हैं और मातम कभी। सुख का मौसम सुख का मौसम, कभी दुख का मौसम कभी। चलते ही रहते हैं सिलसिले बेशुमार, चलते ही रहते हैं सिलसिले बेशुमार। जिंदगी देती है तजुर्बे बेशुमार, जिंदगी देती है तजुर्बे बेशुमार बेशुमार। हमारी कमोड सियानी हो चुकी है, अब उसकी शादी के बारे में फिक्र कीजिए। तुम क्या समझती हो, मुझे उसकी कोई फिक्र नहीं है। अरे भाई, कोई अच्छा लड़का तो मिले। ये शादी ब्याह का मामला है, इसमें थोड़ा बहुत समझौता तो करना ही पड़ता है। ये जरूरी नहीं है कि जैसा रिश्ता हम चाहते हैं वैसा ही रिश्ता हमें मिले। बात तो तुम्हारी सच है, लेकिन शादी ब्याह के मामले में जल्दबाजी करना ठीक नहीं है। पिछले 2 साल से आप इसी चीज की रट लगाए हुए हैं कि इस मामले में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। आखिर कब तक इंतजार करें? खुदा के लिए तुम मुझे परेशान मत करो। हर काम का एक वक्त मुकर्रर होता है, जब वो वक्त आता है तो वो काम हो जाता है। शादी का वक्त आएगा तो शादी का काम भी हो जाएगा। कमो, ओ कमो। कैसी हो? अच्छी हूँ। अच्छी हूँ, मगर तेरा चेहरा तो तेरे लफ्जों से बयान नहीं हो रहा। किताबें पढ़ना तो जानती नहीं है, चेहरे पढ़ना कब से सीख गई? चेहरा पढ़ने के लिए जरूरी नहीं है कि वो किताबें पढ़ना भी जानता हो। हाँ हाँ, अब ये बता कि इतना चहक क्यों रही है? बात ही कुछ ऐसी है। क्या बात है? मम्मी डैडी शाहिद से मेरे रिश्ते के लिए राजी हो गए हैं। अच्छा, वैसे ये करिश्मा हुआ कैसे? मामू जान की वजह से। अच्छा। उन्होंने जात पात के भेदभाव पर ऐसी कैची चलाई कि मम्मी डैडी की तो बोलती बंद हो गई और उन्हें लगा कि वो गलती पर हैं, सो वो इस रिश्ते के लिए राजी हो गए। तब तो मैं मामू जान से जरूर मिलूंगी और अपनी जानिब से उनका शुक्रिया अदा करूंगी। खैर, ये तो हुई मेरी बात, अब मेरी छोड़, अपनी बात कर। तेरे भी तो कोई रिश्ते की बात चल रही है ना? मेरे तो अब्बू की बात समझ में नहीं आती, पता नहीं वो मेरे लिए कैसा रिश्ता ढूंढ रहे हैं। उन्हें तो फरिश्ते की तलाश है और फरिश्तों की मजबूरी ये होती है कि वो शादी नहीं करते। फिक्र मत कर, अल्लाह ने चाहा तो तेरा भी अच्छी जगह रिश्ता हो जाएगा और तू खुद अपनी किस्मत पर नाज करेगी। तसल्ली के लिए शुक्रिया। तेरी लहजे से मायूसी टपक रही है और खुदा ने मायूस होने के लिए मना किया है। चल हंस, हंस ना, हंस भी दे अब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आइए तशरीफ रखिए। दरअसल हम दोनों आप ही का इंतजार कर रहे थे। बड़ी खुशी हुई आप लोगों से मिलकर। बेटा, तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई। देखिए जनाब, रिश्ते तय करने का मामला बहुत नाजुक होता है, तो इसीलिए मैं आप लोगों को एक बात वजाहत कर देना चाहता हूँ। किस बात की? रिश्ता तय करने से पहले आप दोनों फरीक जो पूछना चाहते हैं पूछ लीजिए। ये तो आपने लाख रुपए की बात की, तो इरफान बेटा जो पूछना चाहते हो पूछ। शमशुल हक साहब ने इस रिश्ते के ताल्लुक में जो भी बातें बताई
मुझे उन पर पूरा भरोसा है और मैं पूरी तरह मुतमईन भी हूँ। जाओ बेटी, तुम अंदर जाओ। लीजिए, आप चाय लीजिए। आपको जो पूछना है पूछ लीजिए। तो इरफान मियां, आप ये बताइए कि आपके घर में कौन कौन है? जी, अम्मी अब्बू का तो इंतकाल हो चुका। हाँ, एक बड़ी बहन है जिसकी शादी हो चुकी है और वो पटना में रहती है। बस यूं समझ लीजिए, आपकी बेटी घर में अकेले राज करेगी। आपके वालिद क्या करते थे बेटा? जी, मेरे दादा जान तो बहुत आजिम थे और मेरे वालिद वकालत करते थे। दादाजी को उनका वकालत करना पसंद तो नहीं था, लेकिन उन्होंने कभी इस काम से उन्हें रोका भी नहीं। बहुत खूब, इसका मतलब आपके दादा जान बड़े ही वसी जहन के थे। जी। इरफान बेटे, आप काम क्या करते हो? जी, मेरा जाति कारोबार है दवाइयों की सप्लाई का, और माशाल्लाह अच्छी खासी आमदन भी हो जाती। हाँ तो बेटा, आप रहते कहाँ हो? जी, मैं दूर शहर में रहता हूँ। दूर शहर में? क्या बात है अजमत मियां, कोई परेशानी वाली बात है क्या? शमशुलक साहब, हमारी बिटिया हमसे दूर चली जाएगी, ये बात हमसे बर्दाश्त नहीं। मियाँ, तुम्हारी बेटी तुमसे दूर ही तो जा रही है, कोई विदेश थोड़ी जा रही है कि वहां उससे मिलने के लिए पासपोर्ट या वीजा बनवाना पड़े। दुनिया बहुत छोटी हो गई है। मगर रिश्तों की इस दुनिया में इस तरह के लंबे फासले बड़े तकलीफ दे होते हैं। आप तो बस यही चाहते हैं कि हमारी बेटी हमेशा हमारी नजरों के सामने रहे, कहीं ऐसा होता है क्या? आप तो रहने दीजिए बस। रहने दीजिए भाभी जान, रिश्तों को तय करने में मन में कोई खदशा नहीं रहना चाहिए। फिलहाल तो मैं जा रहा हूँ, पर एक बात कह जाता हूँ कि ठंडे दिमाग से इस रिश्ते के बारे में सोचना और फिर फैसला करना। अच्छा, अब इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज़। नज़मा को फोन करती हूँ। कम्मो। हेलो। हेलो नज़मा। कम्मो, कैसी है तू? नज़मा, आज मैं बहुत बेचैन हूँ। क्यों, हुआ क्या है? तुम तो जानती ही हो, इरफान से मेरे रिश्ते की बात तय होने वाली थी। हाँ जानती हूँ, लेकिन अब्बू जान ने वो भी मना कर दिया। इसकी वजह? वजह ये है कि इरफान बहुत दूर शहर में रहते हैं और अब्बू जान मुझे इतनी दूर भेजना नहीं चाहते। इतनी सी बात के लिए इनकार कर रहे हैं? हमारे लिए इतनी सी बात है, लेकिन अब्बू जान के लिए नहीं। अच्छा सुन, इरफान मुझे बेहद पसंद आ गए हैं और मैं उन्हीं से शादी करूँगी। मगर तेरे अब्बू जान राजी नहीं है तो ये शादी कैसे हो सकती है? इसके लिए मुझे तेरी मदद चाहिए। मेरी मदद? कैसी मदद? मैं चाहती हूँ कि तू इस बारे में अम्मी जान से बात करे कि मैं सिर्फ इरफान से ही शादी करूँ। ठीक है नज़मा। ठीक है फिर,
तो फिर तू जल्दी अम्मी जान से बात करना, मैं इंतजार करूंगी। ओके, खुदा हाफिज़। ऐसा कहा कम्मू ने? जी हाँ, और उसकी बातों से तो साफ लग रहा था कि वो सिर्फ इरफान से शादी करेगी, वरना पूरी उम्र कुंवारी ही रहेगी। क्या हो गया उस पागल लड़की को, वो अपने अब्बू के मिजाज को नहीं जानती। वो एक बार जो फैसला कर लेते हैं वो बदला नहीं जा सकता। मैंने भी उसे समझाने की बहुत कोशिश की, मगर वो मानने को ही तैयार नहीं है। अब तो सब कुछ आप ही के हाथ में है। मेरे हाथ में? जी हाँ, अंकल को इस बात के लिए सिर्फ आप ही राजी कर सकती हैं। तू अपने अंकल को नहीं जानती, वो जो एक बार फैसला कर लेते हैं उसको कोई नहीं बदल सकता। मगर अंकल ने अभी अपना आखिरी फैसला सुनाया नहीं है, इसीलिए अभी उन्हें इस रिश्ते के लिए राजी करने की गुंजाइश तो बाकी है। लीजिए आपकी दवाइयाँ। तो फिर आपने क्या सोचा इरफान से कमो के रिश्ते के बारे में? सोचना क्या है, मेरा दिल तो अभी इस बात के लिए राजी नहीं है कि हमारी कम्मो हमसे इतनी दूर चली जाए। वो तो ठीक है, वरना इस बात के अलावा इस रिश्ते में कोई कमी नहीं है, ये रिश्ता बेहतर है। सुनो, हमारी कम्मो लाखों में एक है, खूबसूरत है, पढ़ी लिखी है, उसके लिए इससे भी बेहतर रिश्ते आएंगे। रिश्ते आएंगे, पर उन रिश्तों में से अगर इसे कोई रिश्ता पसंद नहीं आया तो? ऐसा हो ही नहीं सकता। हमारी पसंद का रिश्ता कम्मो को जरूर पसंद आएगा, क्योंकि उसको पता है कि हमें उसकी कितनी फिक्र है। सुनिए। कहो। एक बात कहूं? कहो। बुरा तो नहीं मानेंगे? नहीं। मुझे अपनी बेटी के पसंद के बारे में पता चल चुका है, उसे ये रिश्ता बहुत पसंद है। क्यों, कम्मो ने कहा क्या तुमसे कुछ? नहीं नहीं, उसने मुझसे कुछ नहीं कहा, पर हाँ बातों बातों में उसने अपनी पसंद का इजहार किया है मुझसे। इजहार? इशारे भी एक तरह की जुबान की हैसियत रखते हैं बेगम। उसने तुमसे अपने दिल की बात कह दी? मुझे नहीं पता था कि हमारी कम्मो इतनी बेहया भी हो सकती। बेहया? नहीं नहीं, हमारी बेटी बेहया नहीं है। ये सरासर बेहयाई है जो शराफत के पर्दे के पीछे छिप कर की गई है। उससे कह देना कि मुझे इस तरह की बेहयाई बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। या अल्लाह। कसरीन, कम्मो, कम्मो बेटी। आई अम्मी। जी अम्मी। ये क्या लगा रखा है, कल रात को तुमने कुछ नहीं खाया, दोपहर को खाना पीना कुछ नहीं हुआ, और अब तो भूख लगी होगी। मुझे भूख नहीं है अम्मी। भूख नहीं है? मेरी भूख मर चुकी है अम्मी। भूख मर चुकी है? मैं जानती हूँ तुम्हारी भूख क्यों मर चुकी है। इरफान का ख्याल अपने दिल और दिमाग से निकाल दो बेटी। जानती हूँ अम्मी, इस घर में अब्बा जान की मर्जी के खिलाफ एक पत्ता तक नहीं हिलता, लेकिन मैं उनकी मर्जी के खिलाफ जाना भी नहीं चाहती। मगर हाँ, भूखी प्यासी रहकर अपनी जान तो दे सकती हूँ। चलिए। क्या हुआ, कसरीन का है? उसकी तबीयत ठीक नहीं है। क्यों, क्या हुआ उसकी तबीयत को? कोई परेशानी वाली बात नहीं है, सुबह तक ठीक हो जाएगी। लगता है तुम मुझसे कुछ छिपा रही हो। नहीं, मैं आपसे कुछ नहीं छुपा रही। अगर झूठ बोलने में महारत हासिल ना होना तो झूठ बोलने वाला फौरन पकड़ा जाता है, इसलिए साफ साफ कहूं क्या बात है। आखिर ऐसी कौन सी बात है जो तुम मुझसे कहने में घबरा रही हो? तुम्हारी ये खामोशी मुझे परेशान कर रही है, कहो क्या बात है। कम्मो ने सुबह से कुछ भी नहीं खाया पिया। क्या उसकी तबीयत इतनी खराब है कि वो कुछ खा भी नहीं सकती? नहीं, ये सब वो जानबूझ के कर रही है। जानबूझकर? मगर क्यों? जी हाँ, अपने गुस्से का इजहार कर रही है। कैसी नाराजगी?
आपने इरफान से शादी करने के लिए उसको मना कर दी और इरफान उसे पसंद है। समझा, मैंने सोचा भी नहीं था कि कसरीन इस कदर बेहया हो जाएगी। बेहया नहीं, ये उम्र का तकाजा है, आप समझने की कोशिश तो कीजिए। वाह क्या बात है, समझाने की जरूरत कसरीन को है और तुम मुझे समझा रही हो। नादानों को समझाने में कोई फायदा नहीं है, मुझे तो इस बात का डर है कहीं नादानी में कोई खतरनाक कदम ना उठा ले। ओह, तो नौबत यहाँ तक आ पहुंची है। इसीलिए तो आपसे कहती हूँ कि उसको उसके हाल पे छोड़ दीजिए, अगर ये उसी का फैसला है तो भुगतान भी उसी को करना पड़ेगा और किसी को नहीं मालूम उसके नसीब में क्या लिखा है। बेटा इरफान, सफर लंबा है, थोड़ा संभाल कर जाना। जी। अजमन भैया नजर नहीं आ रहे? आपको तो मालूम ही है इन दोनों की शादी से वो कितना नाराज है। वो तो पिछले दो दिन से घर भी नहीं आए। उनका तो यहाँ तक कहना है कि जब ये दोनों जने चले जाएंगे तभी मैं घर आऊंगा। वैसे देखा जाए उनकी नाराजगी बेजा है, मगर क्या किया जाए, मिजाज है अपना अपना और ऐसे जख्म भरने में थोड़ा वक्त लगता ही है। तो हम इजाजत चाहेंगे, खुदा हाफिज। जी अब हमें भी इजाजत दीजिए। कम्मो कम्मो। जी कहिए क्या बात है? अरे जाओ जल्दी जाकर तैयार हो जाओ। क्यों, आज फिर कहीं घूमने जाना है क्या? अरे नहीं, आज हम घूमने नहीं, काम पे जा रहे हैं। काम पे? लेकिन किस लिए? देखो मेरा काम है दवाइयां सप्लाई करने का और आज से तुम मेरे साथ जाओगी। मैं और आपके साथ? क्योंकि बाबा तुम मेरे हर कस्टमर को जान लो ताकि जरूरत पड़ने पर तुम खुद अकेली डिलीवरी करने जा सको। मैं और अकेले डिलीवरी? आपका दिमाग तो ठीक है। लो इसमें हर्जी क्या है? देखो तुम मेरी बीवी हो यानी कि शरीके हयात, और अगर बीवी शौहर के कारोबार में उसका हाथ बटाती है तो इसमें हर्ज भी क्या है। अच्छा तो अब मैं समझ गई कि आपने मुझे कार ड्राइव करना क्यों सिखाया। काफी समझदार हो तुम। हाँ हाँ वो तो ठीक है, लेकिन ये सब मुझे कुछ अजीब सा लगता है। क्योंकि तुमने ऐसा काम किया जो नहीं है कभी। जैसे जैसे काम करती रहोगी वैसे वैसे तुम्हें आसान लगने लगेगा। अब बातें करना बंद करो और जाओ जाकर तैयार हो जाओ। हाँ हाँ जाती हूँ। फिक्र मत करो कम्मो, धीरे धीरे मैं तुम्हें अपने रास्ते पर ले ही आऊंगा। कौन है? आ जाओ अंदर। अब कौन है? गुड मॉर्निंग कपूर साहब। अरे गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। अमिया बैठो। ये मोहतरमा कौन? कशरीन आओ बैठो तुम भी। आओ आओ आओ, 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 आओ बैठो बैठो। कशरीन ये कपूर साहब हैं हमारे सबसे बड़े कस्टमर, इनका जूतों का बहुत बड़ा शोरूम है और देश विदेश में काफ़ी सारी कंपनीज हैं इनकी। गुड मॉर्निंग बोलो सर को। जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग वेरी गुड मॉर्निंग। कपूर साहब ये मेरी बीवी है कशरीन। भाई कशरीन जी आपसे मिलके मुझे बहुत खुशी हुई। दरअसल कपूर साहब मैं इसको आपके साथ इंट्रोड्यूस करवाने के लिए लाया था ताकि जरूरत पड़ने पर ये आपको दवाइयों की डिलीवरी दे सके।
अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, अब पत्नी पति के काम में हाथ बटाए, तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। भाई तुम्हारी बीवी पहली मर्तबा हमारे घर आई है, तशरीफ हाथ लाओ, डरो मत, लाओ। हाँ गुड, इसको संभाल के रखना, घर पे जाके गिनना। हाँ कश्मीर, घर पे गिनना। अच्छा तो हम इजाजत चाहते हैं भाई। बाय कश्मीर, बाय कश्मीर की कली, बाय। इतनी गर्मी है अल्लाह। अरे आराम से बैठो, लो पानी पियो। शुक्रिया। अरे आराम से, आप जाके जान में जान आई है। अरे वाह कम्मू, तुमने तो ये काम बड़ी जल्दी सीख लिया। ये सब आपकी ही तालीम का नतीजा है। अगर तुम मेरा इसी तरह साथ देती रही ना, तो देखना हमारे पास आलीशान बंगला होगा, बड़ी बड़ी गाड़ियां होंगी, बेशुमार दौलत होगी। आपको तो ना बस पैसे कमाने की धुन सवार रहती है। बेशक, क्योंकि पैसा ही आज की दुनिया का ईमान है, और जिसके पास पैसा नहीं उसकी ना तो कोई जिंदगी है और ना ही कोई इज्जत। तो आपके लिए पैसा ही सब कुछ है? हाँ। आदा। अरे कशरीन तुम, अरे मैं तो तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। सर ये लीजिए आपका पैकेट। सुनो जी, अगर तुम मेरे साथ चाय पी लोगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। नो सर, थैंक यू, मुझे जरा जल्दी है, मुझे जाना है। रुको, देखो तुम चार बार मेरे इस दावत को ठुकरा चुकी हो। चलो ठीक है, अब मैं तुमसे साफ साफ बात कर लेता हूं। साफ बात? कैसी साफ बात? कैसी साफ बात, देखो तुम अगर मेरे साथ चाय पीती रहोगी ना, तो मैं इस पैकेट के बदले जो तुमको पेमेंट देता हूँ उसका डबल पेमेंट दूंगा, डबल। देखिए कपूर साहब, मैं मुफ्त का या हराम का माल नहीं खाती। बहुत कम, मुफ्त का और हराम का नहीं खाती, और ये पैकेट के बदले तू जो पैसा लेती है वो क्या हराम का नहीं है? क्या मतलब? मतलब क्या, ज्यादा चालाक बनने की कोशिश मत करो कश्मीर। तुम लोग जो ये नशीली दवाओं का कारोबार करती हो, क्या ये गुनाह नहीं है? नशीली दवा? हाँ नशीली दवा, और कहती हो हराम का पैसा नहीं लेते, फिजूल का पैसा नहीं लेते। अब मेरा मुंह क्या देख रही हो, दबाओ ना यहां से जाओ। हाँ झूठ बोला था मैंने, लेकिन मैं तुम्हें सच्चाई बताने ही वाला था। कब? जब मैं इस गुनाह के दलदल में पूरी तरह धस जाती उसके बाद? मानता हूं कि मैंने तुम्हें अंधेरे में रखा, लेकिन मैं मजबूर था। किस बात की मजबूरी? पैसा कमाने की हवस की मजबूरी? इसीलिए तुमने मुझे इस अंधेरे दलदल में धकेल दिया। कम वक्त में बेशुमार दौलत कमानी हो तो ऐसे खतरे उठाने ही पड़ते हैं, और ये सब मैंने तुम्हारे लिए ही किया है। नहीं चाहिए मुझे इसका पैसा, नहीं चाहिए, और मैं यहाँ रहना भी नहीं चाहती। अब कहाँ जाओगी, अपने बाप के पास? अरे वो तो तुम्हारी सूरत भी नहीं देखना चाहता। जानती हूँ इसी बात का तुम फायदा उठा रहे हो ना। जानती हो तो फिर तुम्हारी मर्जी, चाहे तो मेरे पास रुको या अपने बाप के पास या किसी और के पास, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अबूजान
तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ उसके जिम्मेवार हम नहीं, तुम, सिर्फ तुम। तुमने मेरी मर्जी के खिलाफ जाकर उस नालायक को पसंद किया, इसलिए इसका अंजाम भी तुम खुद भुगतो। हमसे कोई उम्मीद मत रखना। बस हम जल्दी से आ जाएंगे इंस्पेक्टर साहब। इतने दिनों से पुलिस को तेरी तलाश थी, आज हत्या चढ़ा है। कितनी मासूम लड़कियों की जिंदगी तूने बर्बाद कर दी। कम्मो, तुमने मेरे साथ धोखा करके अच्छा नहीं किया, अच्छा नहीं किया तूने। धोखा तुमने मेरे साथ किया है, मैंने तो सिर्फ सच्चाई और कानून का साथ दिया है। सच्चाई, कानून, ईमानदारी, ये सब अल्फाज बोलने और सुनने में अच्छे लगते हैं, मगर असल जिंदगी में इनकी कोई अहमियत नहीं। और जो लोग इन रास्तों पर चलते हैं ना, उनके पांव बुरी तरह छलनी हो जाते हैं। जो इन रास्तों पर चलते हैं वो तुम्हारी तरह सलाखों के पीछे नहीं जाते, वो सर उठाकर जीते हैं। ताकतवर लोग ही सर उठाकर चलते हैं, और इस दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है दौलत। ताकतवर लोग सर उठाकर नहीं, अकड़कर चलते हैं, और हर ताकत एक न एक दिन कमजोर हो जाती है। अगर अब तुम्हारा क्या होगा कम्मो? उसकी तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। ले जाइए इंस्पेक्टर साहब इसे। छोड़ूंगा नहीं मैं तुम्हें, देख लूंगा तुम्हें मैं। फिर भी एक बात हरगिज ना ये भूलना, अश्क के साथ है कह कहे बेशुमार, अश्क के साथ है कह कहे बेशुमार। जिंदगी देती है तजुर्बे बेशुमार, जिंदगी देती है तजुर्बे बेशुमार, 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 बेशुमार।